सो फ्रेंड, कुछ इस तरीके के एड्स तो आपने देखे ही होंगे जिसमें कार के इंटीरियर को फोमिंग मेथड के द्वारा साफ किया जाता है। फ्रेंड, कार में जो सबसे ज्यादा टफ काम होता है ना, वो होता है इसके डैशबोर्ड को साफ करना एंड इसके गेट को साफ करना, क्योंकि पानी से तो हम साफ कर नहीं सकते। इसमें जो है काफी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे होते हैं, जैसे गेट में जो है स्पीकर हो गया, उसमें पानी जाने से खराब हो जाएंगे, विंडो हो गए, तो वो चीज खराब होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए पानी से जो है हम इसकी सफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ये हमारे पास 3M फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर, ये एक स्प्रे है जिसकी MRP यहाँ पर देख लीजिए काफी ज्यादा है, 893 है, लेकिन इतने का मुझे नहीं पड़ा है, ये काफी सस्ता पड़ गया है। और इसमें क्वांटिटी है 580 ग्राम, जो कि काफी ज्यादा क्वांटिटी है। इसके प्राइस की बात हम बाद में करेंगे, इसके बारे में काफी ज्यादा मैंने सुना हुआ था, ये जो है काफी अच्छा वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड, हम अपनी कार का इंटीरियर साफ करके इसको दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि भाई ये काम करता भी है या नहीं, या फिर खाली नाम नाम है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी गंदगी इसमें लगी हुई है, ये सीट कवर जो है काफी गंदे हो रखे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे मार्किंग टेप, फिर एक साइड आपको जो है क्लियर करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से लगा देता हूँ। कैमरा में फोकस करो एंड यहाँ पर फर्क देखो, कितना दिख रहा, कितना फर्क आया। हमने यहाँ से यहाँ तक ट्राई किया है, इधर का जो है गंदा है, ठीक है। तो यहाँ हमने मार्किंग टेप लगाया था, यहाँ से यहाँ तक का आप देख लीजिए एकदम जो है क्लीन हो चुका है। तो अब बारी आती है दूसरी चीज को ट्राई करने की, तो अभी यहाँ पर इनको दिखा दो भाई। सो फ्रेंड, अब बारी है इसको कार के डैशबोर्ड में ट्राई करने की। तो यहाँ पर हम टेप लगा रहे हैं, मार्क कर रहे हैं इसको। अब इसका एक हिस्सा हम करने वाले हैं क्लियर, फिर देखेंगे कि ये डैशबोर्ड पे कितने अच्छे तरीके से काम करता है। और हमने जो एरिया चुना है वो चुना है वाइट, जिससे आपको आसानी से पता चल जाए। यहाँ देखिए, मैं टेप छुटा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहना, ठीक है, फर्क कितना नजर आएगा। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कुछ फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ से ये वाली एक लाइन है यहाँ पर बनी हुई, कुछ इससे इधर इधर ट्राई किया, इधर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्क जो है साफ देख सकते हैं, इधर का एरिया जो है क्लीन हो चुका है, तो मतलब ये काम तो कर रहा है भाई, इसने काम किया है और जबरदस्त काम किया है। यहाँ पर हमने मार्किंग एरिया एक बना दिया है, सिलेक्ट कर लिया, तो हम इसके जो टेप का जो बीच बीच वाला एरिया है ना, तो यहीं पे ट्राई करेंगे एंड इधर का एरिया जो है रहने देंगे, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ये काम कितना कर रहा है। चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है इसमें काफी अच्छे तरीके से ट्राई कर लिया है, तो अब बारी आती है इसको सफाई करने की। तो फ्रेंड, चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं हम। आपको कुछ डिफरेंस इसमें नजर आ रहा है? ये वाला एरिया जो है बिल्कुल एकदम क्लीन हो चुका है, इसमें यहाँ पर कितना वाइट हो गया ये देखिए, और ये वाला एरिया जो है काफी ज्यादा गंदा है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं, साफ है जो भी है आपके सामने है। सो फ्रेंड, फाइनली अब बारी है कार के डैशबोर्ड को साफ करने की, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है भाई साफ। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस। तो चलिए गाइस, अब बनाते हैं भाई अपने डैशबोर्ड को क्लीन। देखिए गाइस, हमने जो है अपने डैशबोर्ड को एकदम क्लीन कर दिया भाई, यहाँ देखिए चमकने लगा है।
एकदम काम किया है परफेक्ट तरीके से इसने। सो फ्रेंड काम तो आपने इसका देख लिया, अब बारी है इसके प्राइस की। भाई प्राइस इसमें जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 893 रुपए, तो ये मेरे को पड़ा है 650 रुपए का, तो ये डील में आपको 500 का ही मिल जाता है। तो फिलहाल अभी तो डील चल रही है, तो डील से जाके आप खरीद लेना, मिल जाएगा आपको सस्ता। अब बारी है इसके फाइनल रिव्यू की। बहुत सारे यूट्यूबर जो है उसमें बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा काम करता है ये। मैंने क्या महसूस किया ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं हर प्रोडक्ट की सच्चाई ही जाहिर करता हूँ हर वीडियो में। मेरे को ऐसा लगा जहां मैंने इसको ट्राई किया तो इसमें मुझे जो है रगड़ना बहुत ज्यादा पड़ रहा था। होता है ना सर्फ जो कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, अगर आप वो लगा के ना हल्का सा कपड़ा गीला करके अगर आप उसको भी रगड़ेंगे तो वो इससे ज्यादा बेटर थोड़ा सा रिजल्ट देगा मेरे हिसाब से। तो जहां मैंने इसको फोम को ट्राई किया, इसको बहुत ज्यादा रगड़ा, तब कहीं जाके मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखा, और वो भी कैमरे के पीछे थोड़ा ज्यादा दिखता है एंड रियलिटी में वो थोड़ा सा कम दिखता है। तो ऐसा होता है पता नहीं क्यों, कैमरे में कुछ ज्यादा थोड़ा सा डार्क दिखता है, मुझे तो बस इसका यही लगा। तो ये मैं ऐसा नहीं कहता कि काम नहीं करता है, काम करता है बट थोड़ा कम काम करता है, काम करेगा ये प्रॉपर जब आप इसको प्रॉपर तरीके से रगड़ेंगे। फ्रेंड अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डील के हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा ये प्रोडक्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।